हम जिस समाज में रहते हैं उसका काफी बड़ा योगदान हमारे विकास में होता है। इसीलिए हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी उस समाज की उन्नति में अपना हाथ बटाएं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड नागदा की स्थापना सन 1954 में स्वर्गीय श्री जीडी बिड़ला द्वारा की गई थी। आज ये देश का कपड़ों से जुड़ी जरूरतों के लिए स्टेपल फाइबर निर्माण करने वाला विशाल समूह है। उत्तरोत्तर में श्री आदित्य विक्रम बिड़ला के दूरदर्शी निर्णयों एवं वर्तमान में श्री कुमार मंगलम बिड़ला के मार्गदर्शन में समूह नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ग्रासिम ने समाज सेवा के लिए 1 अप्रैल 1970 में ग्रासिम जन सेवा ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। SFD Nagda is one of the oldest plant of the ABG group. Since beginning, we have been very focused in our CSR activities and have been enriching the quality of life of our surrounding villages and communities. हमारे सामाजिक विकास के कार्यक्रम में नागदा के आसपास 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाले करीब 55 गांव शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के तहत कृषि विकास एवं जल संवर्धन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और समाज कल्याण के उपक्रम चलाए जा रहे हैं। आदित्य बिड़ला सेंटर फॉर कम्युनिटी इनिशिएटिव्स एंड रूरल डेवलपमेंट के तत्वावधान में ग्रासिम जन कल्याण के कार्य सार्थकता से करता रहा है, जिससे आसपास के गांवों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। इस अभियान के अंतर्गत शामिल किए गए सभी गांवों में आजीविका का मुख्य साधन कृषि है, जो कि वर्षा पर निर्भर रहती है। अगर वर्षा कम हो तो आमदनी भी कम होती है। आम तौर पर देखा गया है कि गांव के लोग अपनी मुख्य समस्या समझा नहीं पाते। इसके समाधान के लिए ग्रामीण सहभागिता अवलोकन पद्धति के द्वारा असली समस्या का पता लगाया जाता है। इस प्रक्रिया से मुख्य कारणों का पता लगता है और उन्हें हल करने में आसानी होती है। हमने अपने अध्ययन में ग्रामवासियों के सामने आने वाली रोजी रोटी की चुनौतियों को शामिल किया है। मिसाल के तौर पर कम जमीन होना, बेहतर कृषि की प्रणालियों के बारे में कम जागरूकता, अनु उत्पादक पशुओं की बड़ी संख्या और कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति। इस क्षेत्र में 50% से ज्यादा किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इसके अलावा अधिकतर किसान खेती की नई आधुनिक पद्धतियों से अनजान है। हालांकि इस क्षेत्र में पशु बड़ी संख्या में हैं, लेकिन पशुओं से मिलने वाला उत्पादन बहुत ही कम है। हमने ये महसूस किया है कि महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि जमीन और जल को अपनाने और निरंतर कौशल विकास से ही गांव के लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वे की लगातार चल रही प्रक्रिया और सेकेंडरी डेटा के माध्यम से हमने जरूरतमंद गांवों को चुना है। हम गांव वालों के साथ चर्चा करते हैं और उन्हें विकास के सफल प्रकल्पों के बारे में जानकारी देते हैं। हमने कुछ विशेष क्षेत्रों को चुना है जहां अत्यंत एकाग्रता के साथ गतिविधियों की आवश्यकता है। ये 3 क्षेत्र हैं: जल संवर्धन एवं प्रबंधन, आमदनी बढ़ाना और पर्यावरण। जल संवर्धन एवं प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं मिट्टी और जल संवर्धन के लिए संरचना खड़ी करना, खेती के विकास का कार्यक्रम, पशुपालन और जैविक कृषि, आमदनी बढ़ाने के लिए नस्ल का सुधार करना, कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण, स्व सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस। पर्यावरण के अंतर्गत वृक्षारोपण और जैविक कचरे का पुनः उपयोग। हमारी सभी गतिविधियों को सरकारी विभागों, KVK एवं अन्य अनुसंधान केंद्रों तथा गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर आगे ले जाने के लिए बनाया गया है। कुछ ही समय में हमारे कार्यक्रमों एवं रणनीतियों का गहरा प्रभाव पड़ा है। नागदा में बड़े पैमाने पर पानी की उपलब्धता के कारण 4,643 हेक्टेयर भूमि में फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी देखी गई है। इससे 3,500 परिवारों की आजीविका बढ़ी है। सूखे वर्ष में भी किसानों ने अतिरिक्त फसल उगाई और स्थिर आमदनी प्राप्त की है। हमने विभिन्न दलहनों की
उपज बढ़ाने पर बल दिया है और बीजों की नई किस्म भी लाए हैं। हमने 80% से ज्यादा पशुओं का टीकाकरण करने में सफलता हासिल की है, जिससे उपक्रम से जुड़े गांवों में मुंहपका रोग का उभरना थम गया है। हमने बॉयफ के साथ मिलकर 2 कैटल ब्रीड इंप्रूवमेंट सेंटर्स स्थापित किए हैं। 1 साल में 1000 से ज्यादा पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया गया है तथा 28 गांवों में पशुधन विकास की गतिविधियां की गईं। दुधारू पशुओं से ज्यादा दुग्ध प्राप्त कर डेयरी उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। ग्रेसिम से जो हमें ये नान मिली है, ये बहुत फायदेमंद है। कचरा उड़ता नहीं है, बगदा नहीं उड़ता। निराव ढोर अच्छे खाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, वो इंजेक्शन दिलवाते हैं, गाय भैंस को गर्भाधान करवाते हैं। महिला सशक्तिकरण एवं आय संवर्धन के अंतर्गत 32 स्व सहायता समूहों तथा माइक्रो फाइनेंस समूहों से 450 घरों को अपने जीवन का स्तर ऊंचा करने में मदद मिली है। सिलाई, ब्यूटीशियन, डिस्पोजेबल चीजों, डिटर्जेंट पाउडर एवं पर्स बैग्स बनाने जैसे विभिन्न कार्यों के लिए करीब 1000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। मैंने ग्रेसिम से 3 महीने का सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इससे मैं अपने गांव की महिलाओं एवं लड़कियों के कपड़े सिल के स्वयं का रोजगार चलाती हूं। मैं हर रोज़ कम से कम 100 से 150 रुपये कमा लेती हूं। सामाजिक स्तर पर ग्रेसिम 3 बड़े स्कूलों का संचालन कर रहा है, जिसमें नागदा एवं ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 2400 बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ग्रेसिम द्वारा 2 बड़े अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को प्रतिवर्ष कम पैसों में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। ग्रेसिम ग्रामीण विकास विभाग नागदा के सौजन्य से बालिकाओं का नेत्र परीक्षण किया जा रहा है। इसमें सभी बालिकाओं का निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया जाकर आवश्यकता होने पर उन्हें चिकित्सा एवं चश्मे भी निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। पंचायत एवं लोगों की भागीदारी से 700 से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया है। हमें देखकर अत्यंत संतोष होता है कि हमारे कार्यक्रमों और विकास रणनीतियों से गांव के लोगों के जीवन में निरंतर सुधार हो रहा है और उनकी आमदनी बढ़ रही है। ग्रेसिम माननीय श्रीमती राजश्री बिड़ला जी के मार्गदर्शन में समाज के उत्तरोत्तर विकास की जिम्मेदारी निभाता रहेगा।